नमस्कार मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे ना कि जो हमारी UPRVNL की यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो वैकेंसीज आई हैं ना, जो जूनियर इंजीनियर की, उनका जो एग्जामिनेशन होने वाला है 21 और 24 जो टेंटेटिव डेट आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है और आपने इसकी जिम्मेदारी अच्छे से ली है और इस चीज़ को आपने ठान रखा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई बहन। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात, निखिल आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। देखिए, UPRVNL की वैकेंसी आई है, ठीक है, 52 सीट्स हैं पूरी, मतलब आई थिंक JEE इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो टोटल 52 सीटें हैं, ठीक है ना। तो 52 सीटें हैं और इस समय जो चुनाव का माहौल है, यानी चुनाव का पूरा माहौल है यूपी में, चुनाव हमारे आने वाले, इलेक्शंस हमारे आने वाले हैं। देखो एक बात बताऊँ ना, जो इलेक्शन के पहले जो वैकेंसीज आ गई, समझ रहे हो मेरी बात, तो वैकेंसीज में ना पूरा अपना, मतलब जितनी तुम्हारी एफिशिएंसी है ना, सारी चीज़ें उसमें तुम लगा दो, यानी कि 100% से ज़्यादा, यानी कि हम तो ये कहेंगे कि 110% अपना इसमें बेस्ट हो, मेरी बात समझ रहे हो। एक दो वैकेंसीज और भी हैं UPPCL वगैरह की प्रेशराइज्ड, यानी अगर हम लोग करें ट्रेंडिंग करें, ट्विटर ट्रेंड करें, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्विटर पे इस चीज़ को अगर हम शेयर करें तो वैकेंसीज हमारी आएंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी गिनी चुनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि UPRVNL है, तो UPRVNL JEE के एग्ज़ाम जो 21 और 24 को है ना, इसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जी जान से इसमें लग जाओ, क्योंकि यार हम तो ये नहीं कहेंगे कि पोस्टें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं हमें तो एक सीट से मतलब है ना। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है ना तो एक सीट वो तुम्हारी होगी, मेरी बात समझ रहे हो ना मेरे भाई बहन। तो उस सीट के लिए हमें लड़ना है, उस सीट के लिए हमें क्या करना है, आगे काम करना है। और ये जो बाकी 15 दिन है, इस 15 दिन की स्ट्रेटजी सुनो, कैसे 15 दिन में सारी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। देखो मेरे भाइयों, कुछ भी ना करो, अब तक जो भी पढ़े हो सारी चीज़ें तुम्हारे पास इनफ हैं। UPPCL का जो फॉर्मेट था ना, जितने भी TCS के पेपर हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी TCS के पेपर हुए हैं सारे पेपर्स को आप देख जाओ, TCS के पेपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जितने भी TCS के पेपर हैं इन सारे पेपर्स को आप देख जाओ, चाहे LMRC JEE हो, चाहे UPMRC JEE हो, चाहे आपका DMRC JEE हो, चाहे आपका UPRVNL JEE हो, चाहे प्रीवियस ईयर UPPCL का पेपर हो, चाहे आपका SSC JEE 2011 से लेकर के और दो जो 2020 तक का पेपर है, इन सारे पेपर्स को आपको क्या करना है ना, एक बार देख जाना है, सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर जाओ। अगर कोई डाउट आता है ना तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो यार, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमिडिएटली मैं आपका जवाब दे दूँगा, लेकिन जो भी मुझसे बन पाएगा ना, मैं आपके लिए हमेशा हर कदम पे चलने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरा मानना ये है ना कि स्ट्रगलिंग फेज में जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर देश को आगे लेके जाना है ना तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, और हमारे साथ साथ हम जब मेहनत कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ 10 लोगों को और आगे लेके जाना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम। तो 10 लोगों को जब आप लेके जाओगे तो ऊपर वाला तुमको आशीर्वाद देगा, और दूसरी चीज़ अपने आप में इतनी आपको प्राउड होगी ना कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो स्ट्रेटजी अपनी ये है कि 15 दिन जो हमारे पास टाइम है ना, 15-16 दिन, इसको पूरा अपना मान लो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, क्योंकि पेपर में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई बहन कि अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आप लगाना स्टार्ट करो। हाँ, गलतियाँ कुछ बुक्स में, जैसे कि यूथ में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हैं तो वो भी उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं, तो हम उसको करेक्ट करेंगे ना, पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आप करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरा आप सभी लोगों से एक दिल से निवेदन है। अपने भाई के लिए आप इतना तो कर सकते हैं, और अपने माँ बाप के लिए तो कहना ही क्या है, इसकी नसीहत देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और आपका जिस भी विभाग में आपका ड्रीम है उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट में आपकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।